अपना शाही रूम। यहाँ पर देखो वही कल के बिस्तर लगे हुए हैं, और अब थोड़ी बहुत सफाई करूँगा, उसके बाद पढ़ाई करूँगा। तो ये है अपना रूम भाई, ये अपना स्टडी सेंटर है, एक तरह से लाइब्रेरी मानो। गांव में यहीं पे मैं पढ़ाई करता हूँ, तो मेरी किताबें भी यहीं पड़ी हुई है। ये देख सकते हो आप, पहले सफाई कर लेता हूँ, उसके बाद पढ़ाई करेंगे। ये सारे गदुले हैं मेरे पास, 1, 2, 3, 4 और अभी तो एक और गदुला। अब झाड़ू निकाल लेते हैं, अपना झाड़ू किधर गया, अपना झाड़ू किधर गया। हो चुकी है और रूम रेडी है पढ़ाई करने के लिए, बिल्कुल रेडी है। ये है गुदड़ी, इसको गुदड़ी बोलते फ्रेंड्स, और ये बहुत पुरानी है, हमारी दादी जी ने बनाई थी ये गुदड़ी है, और इसको दादी जी ने बनाया था। तो ये रजाई के तौर पे भी यूज कर सकते हो, और आप बिछाने के तौर पे भी यूज कर सकते हो इसको। तो ये है भाई, यहाँ पर यही है, इनमें कोई ज़्यादा लगता नहीं है इनमें। तो ऐसे है, अब पढ़ाई करेंगे, ये बात है भाई। ये है अपना स्टडी सेंटर, जैसा भी है, पुराना है नया है यही है। और ये किताब है, ये आप देख चुके हो, बिल्कुल बाहर की सफाई हो चुकी है, क्योंकि सारी बाहर की सफाई करने के बाद ही मैं अंदर जाता हूँ, फिर पढ़ाई करता हूँ, क्योंकि धूप निकलेगी तो फिर बाहर बैठूँगा, मैं वहाँ बैठूँगा बाहर पे, वहाँ पढ़ाई करूँगा। तो ये बिल्कुल सफाई हो चुकी है, इस पलंग को एक आकार बनाया है, इसको बाहर बिछाऊँगा, फिर धूप निकलेगी तो इस पर बैठूँगा, और अगर धूप नहीं निकलेगी तो ये अपना अंदर का सेटअप है, इसकी सफाई हो चुकी है। और ये अपना अनाज भंडार भी यहीं पर है, तो ये है अनाज भंडार, और ये है अपनी खाट, ये है पाल क्या। तो यहाँ पे मैं पढ़ाई करूँगा, पहले हम यहीं खाना बनाते थे, लेकिन अब फ़िलहाल ये बंद हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे आने का रास्ता बंद हो गया था। तो मैं तो यहीं पढ़ाई करता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत शांति मिलती है, और डिस्टर्ब नहीं है कोई, और एक अजीब सा सुकून मिलता है। पुरानी जगह हमारे दादाजी ने बनवाई थी, ये साथ में उन्होंने बनवाई थी, वो 5 भाई थे, तो उन्होंने ये बनवाई थी, शामिल की है सभी काका की, हमारे चाचाओं की भी यही कमरे हैं, इनमें ही है, ऊपर चाचा के है, ये भी चाचा के है, ये भी चाचा के है, इस तरह ये सभी साथ में है। और हमारे तो ये रूम है एक, तो और एक दो रूम है, तो दो रूम है भाई लोगों। इस तरह अब मैं पढ़ाई करूँगा, और कुछ सेटअप दिखा देता हूँ, पुरानी चीज़ें रखी हुई है यहाँ पर। और ये देखो, ये चीनी की बननी है, ये मेरी किताब है, और ये अनाज है, ये देखो अभी तक तो खाना बनाने के सामान यहीं पड़े हुए हैं कुछ, ये मेरे पानी पीने की बोतल है, और ये कानू का घोड़ा है, ये दिए जोड़ने के सामान है, कंघा भी रखा हुआ है यहाँ पे, ये चूड़ा गिरा है, चून छानने की चलनी है ये। और एक आपको सामान दिखाते हैं क्या मिलेगा यहाँ पे, ये देखो ये ढकोली है, और ये देखो बाट, कितने ग्राम को है, 50 ग्राम को बाट है। तो यहाँ पर लाइट भी आती है, लेकिन अभी लाइट है नहीं। और ये देखो सबसे पुराना सामान, तो आप ये क्या है, ये क्या है, घर में क्या मिल गया,
ये भैया ये खेतों में काम आता था बुआई करने में, शायद मेरे हिसाब से सरसों बोई जाती थी इसमें भर के, और फिर इसमें भरा जाता था इधर होके, और ऐसे चलता था ये शायद। तो ये वही पुराना औजार है, दादाजी पहले तो बैल रखते थे तो उनसे बुआई होती थी, पूरे खेतों को जोतते थे वो जोतते थे। तो ये है हमारा पुराना वाला औजार, तो देख सकते हो आप। ओ, ये भी एक पुराना औजार है, इसको आप जानते हो छाछ करने के लिए काम आता है, इसको रई बोलते हैं, रई। और ये है सूड़ा, कट्टों को सिलने में काम आता है। तो ये है रई भाई साहब। तो ये रई है, और ये है हमारी छोटी सी खाट, बैठने में काम आती है रोटी करते टाइम। इस तरह अपना पूरा स्टडी सेटअप ये रहा, और अब अपन पढ़ाई करेंगे बिल्कुल झक्कास। तो सारा कुछ मैं बता चुका हूँ, ये बिल्कुल मेरा स्टडी सेंटर तैयार हो चुका है, सफाई हो चुकी है, अब पढ़ाई करने की बारी है। तो मैं पढ़ाई करूँ, सिर्फ पढ़ाई करने की देर है अब, तो मैं पढ़ाई करूँगा ही अब। तो अब पढ़ाई शुरू कर देते हैं अपन। ये किताब है, क्या किताब है ये देख सकते हो आप। अभी वीडियो की पढ़ाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक मैं एक बताता हूँ आपको, ऐसे पढ़ाई होगी अब, ऐसे यहाँ बैठ के, और ये पूरा स्टडी सेंटर चल चुका है। तो अब पढ़ाई कर लेते हैं कुछ देर, पढ़ाई 1-2 घंटे पढ़ाई करने के बाद फिर दोबारा बाड़ा में चलेंगे खाना खाने के लिए। तो अभी पढ़ाई कर लेते हैं। ये किताब है, ये ग्राम सेवक किताब है जो मैं पढ़ रहा हूँ अभी, ठीक है। दिखाई नहीं देगी अभी, वीडियो की प्री एग्जाम लगी है, मैं इसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो ये है भाई लोगों किताब, और अब पढ़ाई कर लेते हैं। तो जब तक के लिए बाय बाय, फिर अपन चलेंगे बाड़े में, क्योंकि इसको हम घर बोलते थे लेकिन अब बंद हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं तो घर ही बोलता हूँ। और जहाँ पे हम रहते हैं, और एक जहाँ पे हम काशनी करते हैं वो भी बाड़ा है, और जहाँ पे हम अभी फिलहाल रहते हैं उसको बाड़ा बोलते थे, ओला बाड़ा और पहला बाड़ा। तो अब वहां पे ओले बाड़े में ही हम खाना वाना सब वहीं रहते हैं, वहीं खाते हैं, वहीं सोते हैं। तो वहीं खाना बनाएंगे, तो वहां चूल्हे पे खाना बनेगा, तो मैं फिर चलूंगा खाना खाने। तो जब तक के लिए पढ़ाई कर लेते हैं, बाय बाय। फ्रेंड्स सब बच चुके हैं 10,